सो कल मेरा गुम गया फोन और कुछ नहीं। सोचा था पुराना होता तो थोड़ा बेच भी देता, बट हमारी ऑडियंस पुरानी नहीं है। सो हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो को देखने के पहले आपके पास एक चीज जरूर होनी चाहिए, खटारा गर्लफ्रेंड। नहीं नहीं नहीं, आपका पुराना फोन, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो आपको उसे बेचने के पहले क्या क्या कर लेना चाहिए। सो हमेशा की तरह वीडियो बहुत फाड़ू होने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब के बटन पर स्कैम करके ही जाना। सो सबसे पहले अगर आप कोई पुराना फोन बेच रहे हो तो वहां पर आपकी जितनी भी सारी डेटा है उसको बैकअप कर लो, चाहे वो आपके व्हाट्सएप चैट्स हो, चाहे वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, या कोई आपकी गर्लफ्रेंड की फोटो है, उन सारी चीज़ों को आपको बैकअप कर लेना होगा ताकि वो सेफ रहें। एंड अगर आपने कोई अभी नया फोन लिया है तो आपके लिए रिकमेंडेड यही होगा कि आप अपने पुराने फोन को भी मत बेचना। सारे डेटा को पहले अपने पुराने फोन से बाहर निकाल के अपने नए फोन में डालो, उसके बाद अपने पुराने फोन को बेचने की सोचना। बाकी बेचने से पहले आप जितने भी उसमें अकाउंट्स हैं, पेयर डिवाइसेस हैं, उनको सेटिंग से जाके रिमूव कर लो। एंड वहां पर आप उन सारी डिवाइसेस को फॉरगेट कर दो। बाकी जो सिम है एंड SD कार्ड आपने फोन में लगाया है, उन सारी चीजों को आप बाहर निकाल लो ताकि आपका कोई भी डेटा उसमें ना रहे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने फोन को बेचने से पहले आपको एक या दो बार फैक्ट्री रिसेट कर लेना होगा ताकि अगर आपका कोई पुराना डेटा भी खोद खोद कर निकालना चाहे तो वो ना निकल पाए। एंड अगर आपको अपने फोन को बेचना ही है तो थोड़ी उसकी साफ सफाई कर दो ताकि आपका फोन थोड़ा साफ सुथरा लगे, नहीं तो वो पहले की तरह फिर से कचरा लगेगा। बाकी बेचने से पहले थोड़ा आप मार्केट में रिसर्च कर लो कि आपके फोन की प्राइस लगभग लोग कितने दे रहे हैं या फोन आपका सही में सड़ा हुआ है। एंड अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही पुराना फोन है तो उसे डस्टबिन में फेंक देना, लेकिन अपने छोटे भाई को मत देना क्योंकि आपको गजब गजब की गालियां पड़ेंगी। सो यही था आज का ये वीडियो जिसमें कि मैंने आपके फोन को भी बिकवा ही दिया। सो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, साथ में नए चैनल पर तो सब्सक्राइब के बटन पर स्कैम करके ही जाना एंड उस बेल आइकन को भी प्रेस कर ही देना। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।